ग्रोन, चौथा था बयाना और पांचवा था खानवा। खागी बांडी याद रख लिया जाए, पहले दूसरे तो खातोली बांडी, बीच वाला गागरोन, बयाना, खाना, बस और कुछ ही को नहीं याद रख। सांगा ने पांच युद्ध किए थे, चार जीते थे, इसका मतलब हारेगा कौन सा? लास्ट वाला भी, लास्ट हार गया, बाद में तो बात ही खत्म है। सांगा ने पांच युद्ध किए, चार जीते, पांच में से चार युद्ध इनके साथ किए थे, दिल्ली वालों के साथ। दो पहले वाले के साथ, दो लास्ट वाले के साथ, बाबर के साथ, बीच वाले के साथ। मालवा भारत के मध्य में पड़ता है, बीच में, और बीच वाला युद्ध कौन सा है? ये किसके साथ किया था? और बिया भी गागरोन दुर्ग भी एक तरीकों बीच में ही अजय, गागरोन दुर्ग खतरी अड़ो, कौन समझ में आयोगे? आगे बस सफल है मेरा उतार लेनो, आगे होगी समझे? देखो, और फिर के पांच युद्ध लड़िया सांगा, सारा 1500 में, 1517, 18, 19 और लास्ट वाला 27 है। तारीख है 1500 में तो है ही, 1517, 18, 19, 27 दोनों 27 में, एक महीने का अंतर है दोनों बीच। सांगे पांच लड़ाई लड़ी, चार जीत गयो, लास्ट आ रहे हार गयो, पांचा मु चार दिल्ली आ रहा सागे, दो पहले डी, दो पहले डे सागे, दो लास्ट आ रही, दो लास्ट आ रहे सागे। आवे ट्रिक ओ गे ट्रिक है गुरुजी। अरे सांगो बिया पटोगा टप बहुत लागे। अब देखो, अब चलो एक एक बात करते हैं। खातोली युद्ध, खातोली पड़ता है बूंदी में, इब्राहिम लोदी की सेना आई इधर से, सांगा गया और इसमें खातोली युद्ध को इब्राहिम लोदी को हरा के जीत लिया, जीता को तो सांगो ही शुरुआत चरम। इस युद्ध में इसका एक हाथ चला गया था, एक पैर भी चला गया था, बहुत ज्यादा घायल हो गया था सांगा, यानी एक आंख पहले से फूटी हुई थी, एक हाथ गया, एक पैर भी खराब हो गया था। इस तरीके से टोटल इसके घाव थे 80, कुछ किताबें 84 लिखती है लेकिन 80 है, यानी इन बोले सैनिकों का भग्नावशेष, सैनिकों का खंडहर, बचा हुआ अवशेष, भग्नावशेष 80 गांव की वजह से। दोबारा इब्राहिम लोदी सेना भेजता है, युद्ध होता है धौलपुर में, बाडी एक जगह, बारी बारी नाम है भैया, तो एक जगह धौलपुर है, और दोबारा कौन जीत गया? कोई समस्या नहीं है, दो युद्ध जीतता ही बिंग, और भी कई करिया जिया, गुजरात और सागे भी करियो, अजमेर भी जीत्यो, ऐ दो युद्ध जीतता ही सांगे प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा फैल गई। बी टाइम के लोग आस लगान लग गया, यानी आ समझन लग गया का अपने अगर हिंदुआ में कोई राजा है नहीं तो ये बस के वो इल्ली साइड आता, लूटपटा, लूटपाट मचाता, मार्गे चला जाता। ये भी शासक है ना महमूद खिलजी, ये भी क्या है, यहाँ के हिंदुओं को परेशान करता था, अब इसको भी हराना जरूरी था महमूद खिलजी को। इसको हराने के बाद तो बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा फैली थी सांगा की, महमूद खिलजी को, इसने गागरोन दुर्ग पे अधिकार कर लिया था। मेदिनी राय सहायता लेने के लिए आया, सांगा गया और महमूद खिलजी सांगा दोनों आमने सामने हुए थे। अब महमूद खिलजी घोड़े से गिरा, गिरते ये इसको सांगा ने पकड़ लिया था, गिरफ्तार किया, 6 महीने तक रखा था इसको। इससे पहले था महमूद खिलजी प्रथम, और सांगे का दादोजी आ कुंबा जी, कुंबा ने भी महमूद खिलजी प्रथम को 6 महीने तक कैद रखा था, छोड़ दिया था, और इसके पोते सांगा ने भी महमूद खिलजी सेकंड को 6 महीने तक कैद रखा था, छोड़ दिया था, यानी दादे की बात का अनुसरण किया था। ये इतिहास में ये मान लो सांगे को बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा दिलाई थी, यानी किसी दुश्मन सैनिक को छोड़ना, दुश्मन राजा को छोड़ देना, वापिस जागीर दे देना। अब तो और ही ज्यादा प्रतिष्ठा, सारा मतलब क्यों जिये कोई थोड़ो बहुत उठतो नहीं तो सारा बिंग तरफ उम्मीद लगाई देखने लग जाता, कभी आपन बचा सके तो अब सांगो ही बचा सके। भले इतिहास में आप किसी भी शासक के बारे में पढ़ लेना, लोग के रुकुण से शासक ने कितनों बढ़ा चढ़ाए के, लेकिन इतिहास का सांगा ही एकमात्र ऐसा शासक था जो पूरे उत्तरी भारत को जीत सकता था, जो हिंदू राज्य की अगर स्थापना कोई कर सकता था तो सिर्फ एक सांगा ही था, किसी में हिम्मत नहीं थी, और सांगा पूरे भारत को जीत सकता था, बाकी नाम लेस का आपा बो है बो कुछ नहीं था सांगा के आगे। अरे सांगा के ऊपर तो छोटा सांगा है, बराबर बैठने वाला भी नहीं था कोई, चाहे इतिहास में इससे पीछे वाले शासक ले लेना, चाहे इसके बाद वाले ले लेना, एकमात्र सांगा ही था। देखो धीरे धीरे गागरोन युद्ध हो गयो, बीच वाला बीच वाले के साथ महमूद खिलजी को हरा दिया था,
अब देखो बीच में स्टोरी दूसरी आ जाते हैं, इन युद्धों को एक बार छोड़ देते हैं, बयाना और खानवा, क्योंकि अब तो बब्बर को लड़ना है। चलो मिटाऊं, आ जाओ इन्हें फरगना, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, उसके बाद वो बना था काबुल का, यहां का शासक बन गया बाबर। ये बड़ा खतरनाक था बाबर, क्योंकि किताबा पर डाल, चलो एक अपा अपर लगी प्रशंसा करा, लेकिन जिसने सांगा को हराया वो भी कम नहीं था, क्योंकि इतना तो अंदाजा लगा उसको, जो को सांगे जिसे नरा वो नॉर्मल शासक तो नहीं है ये बाबर। ये महत्वाकांक्षी शासक था, छोटी सी काबुल रियासत पर रहना हो ही को नहीं। इसने आक्रमण करना शुरू किया था भारत के ऊपर, सबसे पहले बताते हैं इसने 1519 में किया था, बाजौर और बेरा को जीता था। इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें अपने वाले पे आना है। बाबर ने 4 युद्ध किए थे जिंदगी में, सांगा ने 5 किए थे, 4 जीते थे, बाबर ने 4 किए थे, चारों जीते थे। क्यों सीरियस होने की घड़ी जरूरत को नहीं, मैं और होंगे सीरियस होने के जीते। सांगा 5 करे 4 जीत गयो, बाबर 4 करे 4 जीत गयो। बस देखो इनको एक पहला था इसका पानीपत, दूसरा था खानवा, तीसरा था चंदेरी, चौथो तो गागरो, मतलब गागरे की भी लड़ाई हुई इतिहास में। इनका चारा ट्रिक भी बना रखे, बाबर पहली पोत आयो आता ही पानी पियो, फिर खानो खायो, फिर बोले पाछो जाओ चावड़ी चूड़ी पिया दो, फिर चा पी और बिंग बाद घरे उठियो, घाघरा मतलब घरे उठियो। ट्रिक रहे तो बढ़िया, नहीं याद रख लियो। इनमें कोई समस्या कोई नहीं, 26, 27, 28, 29 जीते चारवा कुने बाबरी। देखो बाबरी यहां से चला और सीधी सेना डाल दी पानीपत में, सूचना इसकी सांगा को भी मिल गई थी, क्योंकि भी राजा है तो ध्यान तो सारी चीजें ही रखना ही पड़ेगा। लेकिन सांगा ने यह सोचा, क्योंकि यह क्षेत्र किसका था, इब्राहिम लोदी का भी, सांगा क्षेत्र तो यहां तक था, आगे इब्राहिम लोदी का था। सांगा ने यह सोचा कि इधर वाले जितने भी शासक आते थे ना, वो लूटपाट मचाई वापस चले जाते थे। सांगा ने यह सोचा आए लूटपाट मचाई पाछो बात जाओ, फिर अपनों क्षेत्री को अपन मतलब भी किए, इब्राहिम लोदी को क्षेत्र वो जाने। इधर से आ गया था इब्राहिम लोदी, दोनों का युद्ध हुआ, इब्राहिम लोदी मारा गया। युद्ध जीतने के दो कारण थे बाबर के, एक तो था तोपखाना, एक था तुलगमा, तुलगमा पद्धति। दोनों अंगों जिक्र ही आगे करांगा खानवा में, एक बार छोड़ दो बस। अब सूचना मिली सांगा को, कभी बाबर तो प्लान बना लियो भारत में रहने हुई, और अब यहां आ गया था ये, आगरा में आ गया था ये बाबर। बाबर और सांगा का युद्ध निश्चित है, क्योंकि अगर सांगा बाबर को अगर भारत में प्रतिष्ठा, भारत पे अगर जीतना है, सांगा को जीतना जरूरी था, क्योंकि सांगा लगभग क्षेत्र का मालिक था। सांगा को अगर नहीं हराया तो बाबर सुरक्षित नहीं था, तो बाबर और सांगा का युद्ध निश्चित था। कारण यही है बस युद्ध का, क्योंकि दोनों अनपथ तो है, सांगा को भी पता है बाबर को हराना जरूरी है, और बाबर को भी पता है सांगा को हराना जरूरी है। इसने क्या किया, यहां पड़ती है एक जगह बयाना, बयाना उदुर्ग सुने डे। बाबर के सैनिकों ने क्या किया, बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। यह सूचना मिली सांगा को, कई साल क्या पहली बार हुआ है इतिहास में ऐसा। एक राजपूती परंपरा है जिसका नाम है पाती परवन, इस परंपरा को सांगा ने जीवित किया था। पाती परवन एक परंपरा थी जिसके तहत क्या होता, अगर कोई राजा युद्ध करने के लिए जा रहा है तो वो सबको सूचना भेजता था कि भी मेरी सहायता करने के लिए आओ। ये परंपरा पाती परवन इसने शुरू की थी, इसने सूचना भेजी सभी राजाओं को, और सांगा के निचाण किंग समस्या को नहीं किसी शासक को, क्योंकि सांगा प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा हासिल कर चुके हो, सब नाराज चुके हो लगभग आस पास के क्षेत्र। अब एक बडोड़ा के नीचे आने की नहीं कोई श्रम को नहीं, बराबर राजा के नीचे तो कौन जा सके। अब सांगा के नीचे अधीनता करके युद्ध करना, मतलब अब मान लो सारा तैयार आ, जिये संदेश भेजो, यहां से आ गया था मालदेव, कहां का था, राव गंगा का पुत्र। बहुत सारे राजा आए थे, आपको सिर्फ याद रखना है 2 या 3, ये एक पूछा गया है वो भी आर एस में।
खानवा युद्ध में सहायता के लिए मारवाड़ से कौन गया था? कारण यह था कि एग्जाम में गाइडों में ऐसा लिखा मिलता है, खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए राव गंगा का पुत्र मालदेव गया था। और दोनों ऑप्शन दे दिए थे, राव गंगा भी दे दिया था और मालदेव भी दे दिया था। उत्तर क्या होगा? जयपुर से, जयपुर तो था ही नहीं उसमें, आमेर से, आमेर से आ गया था पृथ्वीराज, बागड़ से आ गया था उदय सिंह, जाला अज्जा, जाला सज्जा, चंदेरी का मेदिनी राय, बहुत है। याद एक तो रखना है मालदेव, एक रखना है हसन खां मेवाती, मुझे वो क्यों रखना है? सांगा की तरफ से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति हसन खां मेवाती, इस वजह से ये दो याद रखने जरूरी है, हसन खां मेवाती एकमात्र मुस्लिम सेनापति और प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति हाकिम खां सूरी, ठीक है। सारे हुए इकट्ठे सांगा के नेतृत्व में, इतिहास में सिर्फ दो ही बार पूरा राजस्थान एक हुआ है, पहली बार सांगा के समय, इसलिए तो इसे हिंदू पथ कहा जाता है, सभी हिंदुओं का पथ किया था इसने, हिंदू पथ। दूसरी बार